ही आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। बहुत सारे लोगों ने मेरे डोमिनार के बारे में एक क्वेश्चन पूछा था कि वो ये है कि डोमिनार का रियर ब्रेक है वो सही तरीके से काम नहीं करता, इन क्या चीज़ ये सच है। सो इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे डिटेल देने वाला हूँ। पहला चीज़ तो अगर आप लोगों ने कहीं से सुना है या किसी ने बोला है कि इसका रियर ब्रेक सही तरीके से या फिर उतना एफिशिएंट नहीं है जितना होना चाहिए, तो ये चीज़ मैं आपको बोलूँगा यस। क्योंकि जब भी मैंने बाइक लिया था तभी मेरे बाइक में तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन यस कि इसका रियर ब्रेक उतना अच्छे से काम नहीं करता है जितना लाइक मेरा सुजुकी जिक्सर का ब्रेक काम करता था। एंड ये रियर ब्रेक आप जब प्रेस करोगे तो बहुत ही लाइक स्लो तरीके से काम करता है। इसका ज़्यादा पावर है फ्रंट ब्रेक में। एंड रियर ब्रेक लाइक बहुत सारे लोगों को हैबिट होता है, जैसे मुझे भी हैबिट था जब मेरे पास ABS वाला बाइक नहीं था तभी, तो मैं फ्रंट ब्रेक छोड़ के रियर ब्रेक ज़्यादा प्रेस करता था। एंड उसके वजह से लाइक आप लोगों को शायद से कुछ तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है, बट स्टिल आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन। तो सोल्यूशन ज़्यादा महंगा नहीं है, बस बेसिक ये चीज़ ये है कि डोमिनार के जो ब्रेक पैड्स है वो इतने अच्छे नहीं है जिसके वजह से डोमिनार जल्दी से रुक नहीं पाता है। सो आपको सिर्फ करना ये है कि आपने बाइक लिया, देखो एक छोटी सी चीज़ के लिए अगर आप पूरा बाइक को इग्नोर करोगे तो वो चीज़ सही नहीं है। अगर आपका ड्रीम है डोमिनार लेना तो यस आप डोमिनार ले लो, सिर्फ एक चीज़ करना कि इसके ब्रेक पैड्स चेंज करवा लेना। तो जैसे आपने देखा कि मैंने एक वीडियो में अपने ब्रेक पैड्स चेंज करवाए थे, ब्रेक पैड चेंज करवाने की वजह से मेरा रियर ब्रेक का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी ये ब्रेक काफ़ी अच्छी तरीके से पकड़ता है एंड ब्रेक पैड चेंज करवाने का खर्चा ज़्यादा नहीं है। एक्चुअली आप इसके अंदर पल्सर 220 के रियर डिस्क ब्रेक डाल सकते हो जो कि मैंने इंस्टॉल करवाए थे एंड इसके बाद से काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। अगर आपको इससे भी अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप ज़्यादा कॉस्टली वाले ब्रेक पैड्स इंस्टॉल करवा सकते हो, लाइक 1200 के या 1300 के समथिंग कुछ ब्रैम्बो के ब्रेक्स आते हैं, ब्रेक पैड्स आते हैं, या फिर अगर आपको उससे भी अच्छे वाले ब्रेक पैड चाहिए तो आप वो भी इंस्टॉल करवा सकते हो। मेरे हिसाब से पल्सर 220 के जो 200 रुपये के ब्रेक पैड्स आते हैं वो आपको मोर देन इनफ हो जाते हैं। तो लेकिन 200 रुपये में आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। जब ब्रेक पैड्स वियर आउट हो जाएंगे आप फिर से चेंज करवा लेना, बट ब्रेक पैड्स इतने जल्दी वियर आउट नहीं होते हैं। कम से कम आप साल पर या 2 साल जब आप बाइक चलाओगे इसके बाद ये ब्रेक पैड्स वियर आउट हो जाएंगे। एंड अगर आप ज़्यादा ब्रेक प्रेस कर रहे हो रियर ब्रेक जिसके वजह से जल्दी भी वियर हो जाएंगे, सो 200 रुपये आपके जेब पे ज़्यादा भारी नहीं पड़ेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मतलब इसके ब्रेकिंग का रियर ब्रेक का सॉल्यूशन सिंपल है, उसके रियर ब्रेक पैड्स आपको चेंज करना है, दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसके अलावा और भी कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जिसके रिगार्डिंग मैं आपको वीडियो या फिर सॉल्यूशन बना के दे दूंगा। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, बी सेफ एंड बाय बाय।